हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह सुबह आज बन रहे हैं ब्लैक वाले छोले, क्योंकि सैटरडे था तो मेरा मन कर गया कि आज ब्लैक छोले ही बना लेती हूँ। और ये देखिए टिफिन के में मतलब रख ली हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, चाबी ले ली हूँ और मैं हो गई हूँ रेडी। और क्या है कि अभी एकदम मैंने ना मोटे मोटे स्वेटर सब रख दिए हैं, लेकिन ये पतले वाले निकाल लिए हूँ क्योंकि ये बारीक बारीक पतले हैं ना, तो ये अभी के लिए ठीक है। तो आज है शनिवार, तो मैंने शनिवार के हिसाब से ब्लैक साड़ी और ब्लैक स्वेटर पहन ली हूँ और अब जाने के लिए स्कूल तैयार हो गई हूँ चाबी लेके। जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ और आने के बाद देखिए ब्लॉग बहुत मस्त होने वाला है। अभी मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, तो ये लेके आई हूँ ग्रीन मतलब छोले, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। और ये सुबह तो सही था, अभी तो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या ही पहन लिया। ये वाला मौसम जो होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, सुबह क्या करें क्या ना करें वो वाली स्थिति हो जाती है। इसको मैं टांग देखती हूँ, अभी फिलहाल गर्मी लग रही है। रोज की तरह हाथ मुँह धोती हूँ फिलहाल, जैसा आप सबको पता है। सुबह मैं बना के गई हूँ ब्लैक छोले और अभी ले आई हूँ ग्रीन छोले। तो बस अब छोले 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 वाला दिन आ गया है ना, मतलब ये हरे चने अभी तैयार हो गए हैं तो इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। घड़ी नहीं निकल रही है, घड़ी निकल जाए तो हाथ में धोती हूँ। आज मैं फिर से अपना रजिस्टर लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा रजिस्टर वर्क करना था जो मेरे पास टाइम नहीं था। तो आप यहाँ पे बैठ के मतलब शाम को अभी तो नहीं करते, फिलहाल बहुत बुरा हाल कर देते हैं बच्चे ना इस टाइम तक, सच में बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। तो रजिस्टर लाई हूँ, फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, कुछ खा पी के उसके बाद उठूंगी ना, जैसे हिम्मत लेगी वैसा काम करूंगी, वरना कल संडे है, आज छोड़ूंगी तो कल हो जाएगा। और आज शनिवार है, शनिवार के दिन मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ तो वो भी मुझे करना है। और देखिए मैं दिखाती हूँ आप सबको, आज मैं कितनी टिफिन लेके गई थी, एक टिफिन और यहाँ पर दो टिफिन और ये देखिए एक और टिफिन, तीन टिफिन। और ये देखिए मेरी टिफिन, ये तीन टिफिन है, तीन टिफिन लेके गई थी। एक में तो कल की बूंदी, तो बूंदी और भुजिया मिला के ले गई, और एक में ले गई थी ब्लैक वाले छोले और इसमें ले गई थी बारीक बारीक कटा हरा धनिया मतलब प्याज व्याज सब ऊपर से। अगर मिला के ले जाती ना तो स्मेल आ जाती है, तो अलग से ले जाओ डब्बी में, बाद में जब खाते हैं हम तब मिला लेते हैं, इसलिए इतना सामान ले जाना पड़ता है। खाने पीने का इतना ध्यान रखती हूँ मैं। फिलहाल ये भी बेचारा एक दिन रेस्ट कर लेगा। और ये स्पून है, हैंड वॉश करती हूँ, हैंड वॉश करके फिर खाना खाती हूँ। मेरा आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे इतने स्कूल में इतना खा ली हूँ, आज भूख नहीं है, तो मुझे लगता नहीं आज खाऊंगी, नहीं मैं कुछ नहीं बनाती। बस अब पेपरों में थोड़े ही दिन रह गए हैं बच्चों के, और देखते हैं कैसा भी पेपर ऊपर बच्चे करते हैं भाई, बहुत टेंशन देते हैं बच्चे कई बार लास्ट तक, जब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कई बार टेस्ट लेते रहो टेस्ट लेते रहो, लेकिन कई बार अच्छा कर जाते हैं और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें बड़ी टेंशन दे देते हैं बच्चे। तो यहाँ पर मैं पानी पीकर बैठ गई थी, चने जो है लाई हूँ उसको छील लेती हूँ फटाफट, क्योंकि ना मुझे भूख नहीं थी आज बिल्कुल भी, तो मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, पेट भारी भारी सा लग रहा था क्योंकि छोले खाई थी
और मैंने सोचा कि सो के उठूंगी ना तो थोड़े से छोले पड़े हैं, तो मन करेगा तो खा लूंगी। यहाँ पर मैंने सारे चने को मतलब छील लिया है, एक काम खत्म कर लिया है। और आज नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो यही काम कर लेती हूँ। अब बल्कि आ रही है तो अब थोड़ा सा सोऊंगी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। उठने के बाद गई हूँ आराम करके, और मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, मतलब आराम करके उठ गई हूँ और जो काम थे करके वो कर ली हूँ। आज है सैटरडे, तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ सुंदरकांड का पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चिप्स जो आलू लाई थी ना बहुत दिन पहले, आप लोगों को याद हो तो, उस आलू के सोच रही हूँ चिप्स काट लेती हूँ आज। तो सुबह पता है क्या रहेगा, अभी कटा रहेगा तो फटाफट मैं बॉयल करके डाल दूंगी, क्योंकि डालने में टाइम लगता है, इसलिए मैं अभी काट के रखूंगी, उसको पानी में छोड़ दूंगी ताकि वो काला ना पड़े। और अभी ना मेरी फ्रेंड का फोन आ गया था जब मैं सो के उठी हूँ, तो मैं उसी से बात कर रही थी बहुत देर तक। वो कह रही है 2 किलो मेरा भी काट देना। मैंने कहा ठीक है बहन, काट दूंगी मैं, 2 किलो आपका भी काट ही दूंगी मैं। चलिए पहले पाठ करती हूँ फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पर पाठ पर बैठने से पहले मैं ये मिश्री भी मतलब पंचमेवा मिला लेती हूँ, काट के बादाम और किशमिश जो भी है मेरे पास, काजू थोड़े से, सब कुछ मिला लूँगी, क्योंकि ये ना पंचमेवा फिर बन जाएगा, फिर सही रहेगा, प्रसाद रोज़ डालने के काम आता है भोग लगाने के। और यहाँ पर जोत भी ख़त्म हो गई थी, तो नया जोत का पैकेट पड़ा था, तो मैंने कहा चलो वही मतलब खोल के उसमें डाल लेती हूँ, तो बस वो भी डल गया है और पाठ भी हो गया है मेरा। थोड़ा सा आग पे सेक दो, और ये गर्म हो जाता है ना अपने आप, ये देखिए छोड़ दिया ना इसने, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्म हुआ नहीं, ये अपने आप मतलब गर्म हुआ नहीं कि ये अपने आप छोड़ देगा। अभी मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ, छोड़ देता बहुत आसानी से, थोड़ी सी चाकू की हेल्प से आराम से ये निकल जाता है। तो ये ट्रिक है, चाकू से लगाया था ये पूरा निकल गया, तो जब ये गर्म हो जाता है ना तो ये ऐसे ही निकल जाता है आराम से, मतलब ऐसे निकल गया एकदम आराम से, देखिए एकदम खाली हो गया ये बिल्कुल, ये ट्रिक बहुत काम की है। तो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी हो गया और नारियल भी निकाल दिया मैंने गर्म करके, और अब बचा क्या था काम जो बाकी था, वो था कि घी निकाल देती हूँ, वरना ना कल संडे के दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सच में बताऊँ तो काम नहीं हो पाता। और जो मैं बोल रही थी ना चिप्स काटूँगी, चिप्स मैं नहीं काट पाई, उसका रीज़न ये है कि आ गया था कोई और बैठ गया, फिर अच्छा नहीं लगता ना कि कोई बैठा है तो उसके पास बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, इसलिए चिप्स काटूँगी कल सुबह संडे को। और अभी क्या रात के 10 बज गए हैं और मैं जल्दी से थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाऊंगी फट से, और साथ में रोटी सेकूंगी क्योंकि इनको भूख लगी बहुत तेज़। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।